इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सांझी माता की पूजा विधि, पूजा सामग्री, सांझी माता का पूजा का महत्व क्या है और इसे कौन रख सकता है और कौन इसकी पूजा करता है सांझी माता की। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल पूनम की आस्था को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले हम बता देते हैं सांझी माता का पर्व कहाँ मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सांझी माता का पर्व राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में किंचन हेर फेर के साथ मनाया जाता है, जो मालवा जनपद में विद्यमान है। अश्विन मास की प्रतिपदा से मालवा की कुंवारी कन्याएं इस व्रत का शुभारंभ करती हैं, जो संपूर्ण पितृ पक्ष में 16 दिन तक चलता है। सांझी पूजा विधि इस प्रकार है। सांझी माता को गोबर या पीली मिट्टी की मदद से दीवार पर उकेरा जाता है। उनके आसपास तमाम तरह के सूरज, चंदा, तारे, बरोड़ा और काढ़ा कद्दू बनाए जाते हैं। इसके अलावा देवी के मुखौटे, हाथ और पैर, यहाँ तक कि गहने भी आजकल स्थानीय कुमारों द्वारा बनवाए जाते हैं, जिन्हें गोबर की आकृति पर चिपका दिया जाता है। शेर खड़ी या अन्य देसी रंगों से माता का श्रृंगार किया जाता है। चमकीले कागजों की मदद से पूरी दीवार को एकदम सुंदर रूप से सजाया जाता है और कैसी बैठी विकट पहाड़ों में ये गाना मुख्य रूप से गाया जाता है। प्रतिदिन गौधूली बेला में घर के बाहर दहलीज के ऊपर की दीवार पर लकड़ी के साफ स्वच्छ पटले पर गोबर से पृष्ठभूमि लीपकर तैयार की जाती है। यह पृष्ठभूमि विशिष्ट आकार लिए हुए होती है। चौकोर वर्गाकार आकृति के ऊपरी तथा दाएं बाएं हिस्से में समरूप छोटे वर्ग रेखा के मध्य में बनाए जाते हैं। सूर्यास्त से पूर्व संध्या तैयार कर ली जाती है एवं सूर्यास्त के बाद आरती की तैयारी की जाती है। इन दिनों गोबर, फूल, पत्तियां, पूजन सामग्री, प्रसाद इत्यादि के साथ साथ मंगल गीतों को गाने के लिए सखियां जुटाई जाती हैं। मालवा में बालाओं को सहज ही इस रूप में देखा जा सकता है। बरखा के विदा होते हुए दिन और शरद के सुखद आगमन की आहट होते हुए दिन इस प्रकृति प्रदान पर्व संध्या के श्रृंगार के लिए अगणित रंग बिरंगे महकते प्रसादन उपलब्ध करा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। विवाह के बाद इस व्रत को करने वाली बाल कन्याएं, मालव कन्याएं इस व्रत पर अपनी अटूट श्रद्धा, असीम श्रद्धा और अगाध भक्ति के साथ स्वयं की सुप्त कलात्मक अनुभूतियों को पूर्ण शिद्दत से अभिव्यक्त करती हैं। प्रतिपदा से आरंभ होकर अंतिम दिवस तक संध्या विभिन्न मोहक आकृतियों को धारण करते हुए अपने पूर्ण निखार से पूरे वर्ष भर सहेज कर दीवार पर रखी जाती हैं। विवाहित कन्या ससुराल से लौटकर अगले वर्ष अपने हाथों से इसे निकालकर कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के साथ नदी में विसर्जित कर इस व्रत का उद्यापन करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं सांझी माता की पूजा सामग्री क्या है। इसके लिए हमें चाहिए गाय का गोबर, पवित्र स्थान की मिट्टी, आप चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी भी ले सकते हैं, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, पान, सुपारी, दक्षिणा, माला, पुष्पमाला और माता को आप सजाने के लिए जो भी वस्त्र लें, जो भी श्रृंगार की सामग्री लें, वो सारी पूजा में अवश्य रखें। ये सारी सांझी माता की पूजा सामग्री होती है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं यह व्रत कौन रख सकता है और क्यों यह व्रत किया जाता है, इस व्रत का महत्व क्या है। तो यह व्रत कुंवारी कन्याएं अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए, मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं ताकि उनका जीवन सुखमय हो, और विवाह के बाद यह व्रत नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। जय सांझी माता की।